मेहरबानों, संदा कैसेट की ओर से आप सभी श्रोताओं के सामने पेश किया जा रहा है कमल और कांता भाग नंबर 2। जी हाँ, कमल और कांता भाग नंबर 2। मेरे दोस्तों, एक दिन कांता अपने कमरे में बैठी हुई अपने महबूब कमल का वो खत पढ़ रही थी, जिसके कोने कोने पर मोहब्बत की परछाई मेरे दोस्तों बादलों की तरह छाई हुई थी। पढ़ते पढ़ते खत को वो इतनी लीन हो गई, जैसे मजनू की आंखों में वो लैला हसीन हो गई। अचानक कमरे में उसकी एक सहेली परमिला आ जाती है, जो कि वो परमिला भी कमल से मोहब्बत किया करती थी। परमिला उस लेटर को, उस खत को देख लेती है और खत को अपने आप पढ़ने के लिए कांता को मजबूर कर देती है। आखिर में कांता बता देती है कि ये खत कमल का है, लेकिन इस खत को मैं दिखाऊंगी नहीं। और इस बात के द्वारा परमिला से बताती है कि कमल से मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ और वो मेरे दिल का दीवाना मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या कहने लगी बोला, और मैं उससे वो मेरे ते हम आपस में कर प्यार, वो मेरे दिल का दीवाना मेरे जोबन का सिंगार। मैं उससे वो मेरे ते हम आपस में कर प्यार, वो मेरे दिल का दीवाना मेरे जोबन का सिंगार। और वो सागर में नदियां बनी सू, वो फूले चमन का में कलियां बनी सू। मैं कणी मणि सू लड़की, मैं कणी मणि सू लड़की, वो मेरे नौलख गढ़ का हार, वो मेरे दिल का दीवाना मेरे जोबन का सिंगार। ओ मैं उससे वो मेरे ते हम आपस में कर प्यार, वो मेरे दिल का दीवाना मेरे जोबन का सिंगार। भगवान समझ के उसने मनाऊ, तस्वीर उसकी मैं दिल में सजाऊ। तन साची सांच बताऊ, तन साची सांच बताऊ, उस पे पूरा अधिकार, वो मेरे दिल का दीवाना मेरे जोबन का सिंगार। ओ मैं उससे वो मेरे ते हम आपस में कर प्यार, वो मेरे दिल का दीवाना मेरे जोबन का सिंगार। और साथ मरने की कसमें खाई, दिल
सजाई खून से करके वादे तोबा। वो मेरे दिल का दीवाना, मेरे जोबन का सिंगार। ओ मैं उसे वो मेरे ते, हम आपस में कर प्यार। वो मेरे दिल का दीवाना, मेरे जोबन का सिंगार। सत्य नारायण प्यार चाहिए निभाना, खेड़ी और बिराल का आना जाना। खास रमाड़े थाना, और खास रमाड़े थाना जगदीप है ताबेदार। वो मेरे दिल का दीवाना, मेरे जोबन का सिंगार। ओ मैं उसे वो मेरे ते, हम आपस में कर प्यार। वो मेरे दिल का दीवाना, मेरे जोबन का सिंगार। हाँ तो मेहरबानों, जब ये बात परमिला ने सुनी तो एकदम कमरे से बाहर निकल जाती है और मन में सोचती है कि अगर कांता को मार दिया जाए तो शायद कमल तेरा जीवन साथी हो सकता है। मगर दोस्तों, उधर कांता का भाई प्रवीण उस परमिला के हुस्न का आशिक उसी रोज अचानक परमिला को मिल जाता है और परमिला से कहता है कि परमिला, तुमने मुझसे कई बार शादी करने का वादा किया है, लेकिन वो कांता कहती है कि प्रवीण, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हारी बहन कांता तुम्हारे मां बाप की इज्जत को दुनिया में बदनाम करने वाली है, क्योंकि तुम्हारी बहन कमल से शादी करके और यहां से जाने वाली है। तो ये बात सुन के कमल का उस कांता का भाई परवीन अपने बाप से बताता है कि पिताजी, कांता का चाल चलन बेहद खराब हो चुका है। और उधर कांता का भाई बाप और परमिला कांता के मरण की प्लान बनाती है। दोस्तों, चोरी जैसा माल नहीं अगर सरकार ना हो तो, भाई जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और इन औरत कैसा वजीर नहीं अगर बदकार ना हो तो, ये नार नहीं नो रंगी है, नो रंग नहीं रसरंगी है, ढकले से कुल के कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है। और इस बात के द्वारा कैसे कैसे प्लान बनाते हैं, क्या लिखा है कवि ने बोला। अरे कांता छोरी की मारण की प्लान बनाई, और कांता छोरी की मारण की प्लान बनाई, मारण की प्लान बनाई, मारण की प्लान बनाई रे कांता छोरी की मारण की प्लान बनाई। चलन की कर दी तैयारी, परमिला भी संग में ओली, बात करे न्यारी न्यारी, आंधी और तूफान में ही चारों ओर घटा छारी। और चांद भी छिटकता कोना अंधेरी सी रात में,
मन ही मन में सोच रहे मारो घड़ी शात में दोनाली बंदूक सजनो पिताजी के हाथ में और एक पैना सा गंडा सा लेके एक पैना सा गंडा सा लेके चला छोटा भाई कांता छोरी की मारन की कान बनाई और मीठी मीठी बात करे सहज सहज बोले रहे जरा सा भी शक ना हो जा ऐसा कर रोले रहे चलते जावे कांता के आगे और पीछे डोले रहे और देख तो न कोई रहा चारों ओर ध्यान में रेड रेड बादल कर रे सजनो आसमान में चोगर देत घेर लई जंगल बियाबान में अंगर थर थर कांपा गात कानता थर थर कांपा गात कानता चारों ओर लखाई कांता छोरी की मारन की प्लान बनाई पिताजी बता क्यों इतना मेरे पे गरूर किया बदनामी का ऐब कौन सा बता दो जरूर किया मारन ने क्यों लाए मने कौन सा कसूर किया और हत्यारी सिहोरी छोरी सब तरियां लचार हुई सामन की जुझड़ी लागी ने नया सुधार हुई मोटी मोटी आंख सूज रे रोती रोती हार हुई ओ मेरे मजनू ओ मेरे रांझे ओ मेरे मजनू ओ मेरे रांझे न्यू कह आवाज लगाई कांता छोरी की मारन की प्लान बनाई और थर थर कांपे गात के माँ सो सोमन की झाल उठे कैसे बचना चाहिए मन में न्यारे न्यारे ख्याल उठे हुड़े से बदन में सजनों एकदम से बेहाल उठे मर राम राम टेरे रही हाथ जोड़ खड़ी हुई दिल में सच्ची प्रेम आड़ी भक्ति पैड़ी हुई गुरु जी करेंगे पास चार कली जड़ी हुई कह सत्यनारायण मारण ने कह सत्यनारायण मारण ने झट से बंदूक उठाई कांता छोरी की मारण की प्लान बनाई मारण की प्लान बनाई मारण की प्लान बनाई कांता छोरी की मारण की प्लान बनाई
हाँ तो दोस्तों, कांता को लेकर बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं और उधर कांता की माँ और बहन सरला रोती रोती बेहाल हो जाती है। कांता की माँ सरला को कमल के पास भेजती है, कहती है कि बेटी सरला जल्दी कमल के पास चली जा और उसको कह देना कि कांता तो आज इस दुनिया से जा चुकी, अगर कांता को जिंदगी देखना चाहता है तो फौरन बियाबान की ओर चला जा। ये बात सुन के मेरे दोस्तों सरला दौड़ती हुई रात के समय कमल के घर जाती है और कमल को आवाज लगाती है, कमल कमल गेट खोलो। कहती है कि हरे धूली पे चलने वाले सभी अज्ञान नहीं होते, फूलों पे सोने वाले सभी गुणवान नहीं होते, पैसे से खेलने वाले सभी धनवान नहीं होते, ठोकर पे जीने वाले सभी इंसान नहीं होते। और क्या कहने लगी भला, तावड़ करके गेट खोल दे नतनाश हो लिया, आज मेरा पिता तेरे प्यार का दुश्मन खास हो लिया। तावड़ करके गेट खोल दे नतनाश हो लिया, आज मेरा पिता तेरे प्यार का दुश्मन खास हो लिया। तावड़ करके गेट खोल दे नतनाश हो लिया। मुरझा गए गम खा गे चंदा बान गगन में, आज दिन में हुआ अंधेरा खत्म प्रकाश हो लिया। तावड़ करके गेट खोल दे नतनाश हो लिया, तावड़ करके गेट खोल दे नतनाश हो लिया। कमल कहता है कि सरला ऐसी क्या बात है कि कमल तुम्हारी कांता आज बियाबान जंगल में चारों ओर से घिरी हुई, मेरा भाई परवीन, मेरा पिताजी और वो परमिला कांता की सहेली और उसको मारने की प्लान बनाई हुई है। तो एकदम से मेरे दोस्तों वो कमल चारपाई से खड़ा हो जाता है और तीसरी बात में क्या कहने लगी भला, अरे प्रेम का झूठा रुका जग में क्यों न उठे लहर रग रग में, आज कमल तेरी कांता
ब्याह का सुरग में बात हो यार, तावड़ करके गेट खोल दे नतना सोलिया, तावड़ करके गेट खोल दे नतना सोलिया। अभ्यास हो यार, तावड़ करके गेट खोल दे नतना सोलिया, आज मेरा पिता तेरे प्यार का दुश्मन खास हो यार, तावड़ करके गेट खोल दे नतना सोलिया, तावड़ करके गेट खोल दे नतना सोलिया। ये बात सरला की सुन के मेरे दोस्तों कांता के जवानी का दीवाना वो कमल जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कांता को चारों तरफ से घिरी हुई देख के एकदम भाज के बंदूक पकड़ लेता है और उसी बंदूक से परमिला को मार देता है और कांता को लेकर बियाबान जंगल की ओर चला जाता है। मेरे दोस्तों बियाबान में भूखे प्यासे कमल और कांता भटकते हुए एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। कमल को बुरी तरह से प्यास लगी और कांता से आवाज लगाई कि कांता मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी पिला दो। तो इस बात के द्वारा क्या कहने लगा बता। मेरा जी लिखड़न ने हो रहा गोरी प्यास में, आज बादल भी न बरस रहे आकाश में, हो आकाश में। मेरा जी लिखड़न ने हो रहा गोरी प्यास में, आज बादल भी ना बरस रहे आकाश में। अरे लागी तन में प्यास गोरी दिल दामा डोल हुआ रे, पानी प्या दे नाते मेरा इब कति बल बोल हुआ से। मारे चच चच होरी दर्द घना तन मैं बेतोल हुआ रे, आखा आगे इब अंधेरा खुल्लम खोल हुआ रे। मन खुश की आवे गोरी सांस सांस में, आज बादल भी ना बरस रहे आकाश में, फिर हो आकाश में। में आखा आगे तारे से टूटे से,
धक धक धड़कन धड़क रही आज गोड़े से उठे से। मरे चक्कर यारा शरीर मेरे में उड़े से उठे से, बियाबान में आज मारे से यु ईश्वर भी रूठे से। तू चाली जा गोरी पानी की तलाश में, बादल भी न बरस रहे आकाश में, हो आकाश में। आस पास कहीं तला भरा हो जाके ले आ नीर परी, होठ सूख रे आज बिगड़ता आवे से मेरा तासीर परी। आज गले में मौत की दिखे गलरी से जंजीर परी, गोड्डा में सिर टेक ले हाले सक सक मेरा शरीर परी। तू रो रो मर जा एक लिबन बास में, बादल भी ना बरस रहे आकाश में, हो आकाश में। तेरे फिक्र में सो सोमन की उठे जाल बदन में, सोच विचार करया ना जाता दिल हो रहा उलझन में। और सत्य नारायण तू सच्चे दिल से लाले नीत भजन में, बनी रागनी ग्राम कंडेरे बाण में आड़े सन में। तो जगदीप गुरु के रहूं चरण का दास में, बादल भी ना बरस रहे आकाश में, हो आकाश में। मेरा जी लिखड़न ने ओरा गोरी प्यास में, आज बादल भी ना बरस रहे आकाश में, फिर हो पानी की तलाश में वो कांता बियाबान जंगल में भटकती फिरती है, लेकिन कहीं पे कांता को पानी नजर नहीं आता। आखिर में वो कांता बेचारी लाचार होकर कमल से कुछ दूर जाकर मेरे दोस्तों एक पेड़ की आड़ लेकर बैठ जाती है। और उधर कवि की कलम अपने अभ्यास पर उतारू है, क्या लिख देते हैं कवि भला। फिकर ना कर ऐ मेरे दिल, आज ये गम की रात है, फिर वे ही दिन आएंगे, बस दो चार दिन की बात है। क्या लिखा है भला, रिम झिम रिम झिम बरसे अखियां, रोई बेसुमार रोई बेसुमार, रिम झिम रिम झिम बरसे अखियां, रोई बेसुमार।
घटाना बिजली चमकी गम की आंसू भर से अखियां गेरे सो सो बार रोई बेसुमार और हिचकी से आवे सांस सांस में नीर मिलाना आस पास में नीर मिलाना आस पास में प्यासी सर से अखियां बन में हुई इतनी रोई आंख में लाली चुंदड़ी आंसू में भेके ठाली चुंदड़ी आंसू में भेके ठाली करके चाली सबर से अखियां नैया है मजदार दीप सिंह ने शीश झुका ले सत्यनारायण तू छंद बना ले सत्यनारायण तू छंद बना ले संजय तुला ले हर से अखियां हो जाग बेड़ा पा रोई बेसुमार रोई बेसुमार हाँ तो मेहरबानो आंसू में भीगी हुई वो चुंदड़ी कांता लेकर कमल के पास खड़ी हो जाती है और देखती है कि कमल गहरी नींद में सोया हुआ है मगर दोस्तों वो प्यास में व्याकुल होकर बेहोश अवस्था में पड़ाया था और कांता अपने प्रेम दीवाने को किस प्रकार से आवाज लगाती है जुबा पर जब तुम्हारा दिल ये अफसाना आता है हमें रह रह के याद तेरा दिल दीवाना आता है और क्या कहने लगी बोला प्रीतम प्यारे एक
गोबर अखियां लेना खोल, जानम कह के मुँह ते बोल, मैं तो नीर लाई अनमोल हो। प्रीतम प्यारे बेत
तम प्यारे एक बर अखियां लेना खोल जानम कह के मुंह से बोल मैं तो नीर लाई अनमोल हो हाँ तो मेरे दोस्तों जब कमल होश में नहीं आया तो कांता ने वो आंसू से भीगी हुई चुनरी कमल के मुंह में निचोड़ देती है। थोड़ी देर बाद कमल को होश आया और उधर शाम का वक्त मेरे दोस्तों बियाबान जंगल में चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ। कमल कांता से कहती है कि प्रिय तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे पैरे पर रहूंगी, मगर कांता नहीं मानती। कहती है कि मेरे सपनों के राजकुमार तुम सो जाओ और मैं पहरे पर रहूंगी। आखिर में कमल सो जाता है। वक्त क्या से क्या करा देता है, अचानक कांता को भी नींद आ जाती है। मेरे दोस्तों उस कमल को काला सर्प काट लेता है। एकदम कमल चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद कांता की आंख खुलती है। दोनों के ऊपर तड़ी के सवाल जवाब किस प्रकार से होते हैं भला। चस चस होरी दर्द गणा मेरा खिया उबल के आवे और गोड्या में सिर टेक सनम ले क्यों दिल में घबरावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले क्यों दिल में घबरावे। चस चस होरी दर्द गणा मेरा जिया उबड़ के आवे। गोड्या में सिर टेक सनम ले क्यों दिल में घबरावे। लिखण ने हो रहा गोरी तन में जोश रहा ना मन कोड़ी भर के लुटा दिए इब बिल्कुल होश रहा ना। अरे न्यू दिख मन सांस मेरे में सो सो कोस रहा ना। दिख आखिर आ गया दिल मेरे ने इब संतोष रहा ना। ओ पट्टी बांध दिए कस के गोरी पट्टी बांध दिए कस के गोरी सिर मेरा चकरावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले क्यों दिल में घबरावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले क्यों दिल में घबरावे। खाई दुनिया में होनी सर पे ओण चढ़े ना पावे राही दुनिया में। और कर्मा के अनुसार अभरनी पड़े तवाई दुनिया में। साथ जन्म तेरा साथ न छोड़ू करूं वफाई दुनिया में। हो बेवारिसी ढाल मने क्यों बेवारिसी ढाल मने क्यों छोड़ एकली जावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले क्यों दिल में घबरावे।
बच्ची ओ मेरी जान बचा ले, विशियर लड़िया काला मेरी लीली काया, बड़ी जहर में कोड रोप गया चाला। और मकड़ी रेगी फसी फसाई, इसा पूर दिया जाला, मन हुया दिखना बंद गोरी आवन लगा तिवाला। हो थर थर कंपे गाच मेरा तो, थर थर कंपे गात मेरा तो, जीवन न जी चावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले, क्यों दिल में घबरावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले, क्यों दिल में घबरावे। साथी को ना फिरूं भटकती बियाबान में, फिर हिमाति को ना। और खाना पीना रात दिना मने, नींद सुहाती को ना। हो जा घोर अंधेर तेरे बिन, दीवा बाती को ना। ओ पिछले आड़ी प्रेम कहानी, पिछले आड़ी प्रेम कहानी, मेरे तन मन में लहरावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले, तू दिल में घबरावे। आवे से इब मेरे बस की बात नहीं, ले ले आखिर राम राम इब सोदी में मेरा गात नहीं। यो सुनना बाग हुया लेवन ने, खुशबो माली साथ नहीं, दिखे ख्वाब अधूरे रे गिर गोरी, पार हुई मुलाकात नहीं। हो आजा एक बार गड़ से लालू, आजा एक बार गड़ से लालू, मतना आंसू बावे। गोड्या में सिर टेक सनम अब, क्यों इतना घबरावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले, क्यों दिल में घबरावे। मिल गया मेरे ऐसे राम लूट के, बिया बाण बन खंड में एकली, रोवे फूट फूट के। और टप टप आंसू पड़े नैन से, एक एक टूट टूट के। सत्य नारायण प्रेम तेरा मने, खावे चूट चूट के। ओ पूछ दे आंसू सत्यपाल, हाँ पूछ दे आंसू सत्यपाल, मत सारी रात गवावे। गोड्या में सिर टेक सनम ले, क्यों दिल में घबरावे। अरे चस चस हो रही दर्द घना मेरा, या उबड़ के आवे। गोड्या में सिर टेक सनम ले, क्यों दिल में घबरावे। Thank you.
हाँ तो मेहरबानो बेवारिस की तरह वो बेचारी कांता लाश की जड़ में बैठ कर फूट फूट कर रो पड़ती है। धरती और आसमान डोलता हुआ नजर आने लगता है। मेरे दोस्तों मोहब्बत में बीते हुए ख्वाब ज्वालामुखी पर्वत की तरह फूट फूट कर सामने आ जाते हैं। इस बात के द्वारा वो कांता क्या कहने लगी भला, आज कैसे फूटे भाग डस गया काले मुका नाक, बन में हरा भरा बाग वो भी लूट लिया मेरे राम रे। आज कैसे फूटे भाग डस गया काले मुका नाक, बन में हरा भरा बाग था वो लूट लिया मेरे राम। बंधी बंधाई प्रेम डोरी इकली रहगी बिया बाण में, करके दिल की ले जा चोरी एक बार मुझे बोले सनमना रो रो मर जा तेरी गोरी। होरी से घनी चाहत जिसका सहारा था दिन रात, डंडा ले चालू थी हाथ ते वो छूट लिया मेरे राम रे। घिरनी सी मन आवे बन में काया में चढ़ ताप गया, कर गया घोरे अंधेर बदन में लड़के काला सांप गया, झूठ नहीं ले उठे आज मेरा दुनिया ते इंसाफ गया। अरे कांप गया भूगोल जिया हो रहा डमा डोल, साची साच बता देखो ले आज क्यों रूठ लिया मेरे राम रे। की झाले उठे आज किस्मत मेरी पढ़ के सोगी, बे माता ने आके रच दी गम के मोती लड़ में पोगी, तेरे बिना आज प्रेम दीवाने बनखंड में मेरी जिंदगी खोगी। अरे होगी विपता ठानी आवे याद यू प्रेम कहानी, मेरा सारा यंजन पानी आज उठ लिया रे मेरे राम रे। जगदीप गुरु ने शीश झुका ले तू भक्ति में ला ले रे ध्यान, प्रेम तपस्या दिल से करे वो सर सर जंगल बिया बाण, सात जन्म तेरा साथ ना छोड़ू मर जाऊं चाहे सत्य नारायण।
कर कवियों का सम्मान कर ले संजय दत्त अज्ञान दिया सतगुरु जी ने ज्ञान आज घूट लिया रे मेरे राम रे। हाँ तो दोस्तों वो कांता मरी हुई लाश को लेकर एक दरिया में खड़ी हो गए और उस लाश को पकड़ के मेरे दोस्तों ऐसी प्रेम भक्ति करती है कि भगवान का सिंहासन डोल जाता है और अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा उसको कमल को जीवित कर लेती है और दोनों की शादी हो जाती है। ये किस्सा यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।